ये गाड़ी लेने से पहले हमने ना ब्रेजा भी देख रहे थे, हम काफी काफी रिसर्च किए, ब्रेजा, नेक्सॉन, बहुत सारी गाड़ियाँ देखा है। कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा। अभी आपकी फीलिंग भी जानेंगे हम लोग। नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझ आता भैया क्या बोलना है। नहीं खुश हो ना, मतलब ये है ना, आज गाड़ी लेके बहुत दिन से इंतजार देख रहे हो ना, क्योंकि अपनी स्कॉर्पियो नहीं है तो टैक्सी से जा रहे हैं और न्यू गाड़ी ले रहे हैं, वही जाके पता लगेगा कि आपको कौन सी गाड़ी है। लेकिन मिली बहुत पापड़ पेल के भाई, बहुत मुश्किल से मिल रही है ये गाड़ी। चलो जल्दी से दिखाई देता हूँ आपको कि कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन शोरूम पे जाके पता लगेगा। गाड़ी मेरे पीछे भाई, नक्शा भी दिखाऊंगा नहीं, अभी उसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगने के बाद ही दिखाएंगे। वैसे नक्शा पे आपको पता लग गया होगा। भाभी जी थैंक यू, आपने टाइम निकाला। अरे थैंक यू, लगने वाला था कि अकेले मत आना। अच्छा रवि भाई, दोस्तों हेलो बोल दो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वाह, आखिरकार मतलब मिल ही गई, डे आ ही गया डिलीवरी लेने का काम, लेकिन गाड़ी भी बताई नहीं। थैंक्स टू संदीप। अरे थैंक्स वाली क्या बात है भाई, आप 200 सारा काम इन्होंने ही किया, हमने तो केवल पेमेंट किया। नहीं नहीं, वो सबसे बड़ा काम तो वही है, पेमेंट के बगैर गाड़ी थोड़ी मिलेगी, है ना। लेकिन एक चीज है जो अपने पापड़ पहले है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल, और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हाँ, आज सिर्फ डिलीवरी दिखाते हैं, आजकल डिलीवरी दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हाँ। तो आप लोग का भी टाइम सेव हो और हमारा भी टाइम सेव हो। और भाई को अगर जिसने पहले देखा है वीडियो में तो समझ गए गाड़ी कौन सी है, जिसने नहीं देखा पहले वाली वीडियो जाके देखो फिर समझ आ जाएगी गाड़ी कौन सी ले रहे हैं आज, है ना। तो लास्ट तक बने रहो, इंटरेस्टिंग रहेगी आज की वीडियो थोड़ी। और ये नेक्सा है, ये तो समझ में आ गई दोस्तों को कि नेक्सा की कोई गाड़ी ले रहे हैं। बहुत टाइम लगता है भाई गाड़ी लेने, पीछे देख रहे हो आप, ये अपनी नहीं है लेकिन अपनी यहीं लगेगी, ये इनका डिलीवरी एरिया है, तो लगती है जैसे दिखाता हूँ आपको, लेकिन बहुत टाइम लग रहा भाई, लगभग 1.5 घंटा हो गया है सारे डॉक्यूमेंट काम होने के बाद भी, फिर भी पता नहीं क्यों बैठा रखा। अभी भाई गाड़ी बिल्कुल सामने है हमारे, थोड़ी देर और रुक जाओ ना फिर दिखाई देंगे, अभी साफ भी करेंगे उसको, थोड़ी साफ भी नहीं है, और उधर किसी और की भी डिलीवरी कर। लेने के बाद वैसे सब लोग ऐसा ही करते होंगे जैसा हम करेंगे, मैं सीट सेट कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से आगे ही लेनी पड़ेगी भाई। अब चलो भाई आ गया पहले सीट पे, नक्शो तो 2 मिनट बोलेगा नहीं भाई बीच में, अब बहुत देर से बोल रहे हैं, अभी आपकी फीलिंग भी जानेंगे हम लोग। नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझ आते भैया क्या बोलना है। नहीं खुश हो ना, मतलब ये है ना, आज गाड़ी लेके बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे आप ना भाई, यार देखो थोड़ा घबरा, वैसे एक्सपर्ट है ये बताऊं मैं, दिल्ली में स्कोडा बहुत घुमाई है भाई ने, आज देखो नई गाड़ी लिए तो बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो चलो जी अब हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर, और थोड़े सी पाठ पूजा होती है जो पता ही है आपको, तो उसके लिए जा रहे हैं।
हाँ वैसे आफ्टर डिलीवरी, हाँ बिल्कुल सीधा चलेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे और फिर राइट लेंगे। तो 3 लीटर बता रहे हैं कि एजेंसी की साइड से ही आता, मतलब पीछे से डल के आता पेट्रोल, और 2 लीटर इन्होंने अपने सामने डाला है। तो ठीक है, टोटल 5 लीटर, 5 लीटर देते हैं साथ में, और बोला है कि सीधा पेट्रोल पंप पे ही जाना, तो डलवाई लेते हैं, हम रिस्क क्यों लेंगे ना। और अपनी गाड़ी देखिए, मैं PDI हमने की थी तो उस टाइम दिखा नहीं पाया, 12 किलोमीटर चली है, तो डिसेंट है, क्योंकि इनका जो गोडाउन है वो भी इतनी दूर हो गई, दो गोडाउन है हाँ थोड़ा सा, चलो इतना हम डिसेंट मानते हैं, 10-12-15 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं होती। और आप सबके आने से इतना मजा आया कि क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा, मतलब पहली पसंद थी और बहुत दिनों के बाद मिली है गाड़ी। अच्छा, इसमें बड़ा लफड़ा पड़ा ना, उसकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, वो सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी आपको। हाँ राइट 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 राइट, ठीक है। तो भाई क्योंकि चंडीगढ़ में पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा रास्तों का आइडिया नहीं है, मैं बताता रहूँगा बीच में। अच्छा बाबू जी, एक बार प्लीज आपकी और फीलिंग बताइए ना, बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अपनी खुद की गाड़ी में बैठ के। बहुत बढ़िया, ना खुद की गाड़ी में तो पहले ही बैठे हैं आप, लेकिन ग्रांड विटारा में बैठ के बोलिए। अच्छा दूसरी ग्रांड न्यू में है ना, खुशबू बड़ी अच्छी आती है गाड़ी की। सुनो कैसे लग रही स्कॉर्पियो के मुकाबले, कुछ बताएगी? गाड़ी तो अच्छी है, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो की जगह है, ये अपनी जगह। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो स्कॉर्पियो को इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, सबके अलग अलग। वही तो, स्कॉर्पियो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। राइट राइट, तो डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया वैसे इन्होंने। चलो अभी थोड़ी सी प्रोफेशनल बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये गाड़ी लेने से पहले हमने ना ब्रेजा भी देख रहे थे, हम काफी रिसर्च कर किए, ब्रेजा नेक्सॉन बहुत सारी गाड़ियां देखा है। हाँ तो मैं कह रहा था कि ऑटोमेटिक एसी दिया है लेकिन म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम ब्रेजा देख रहे थे, क्योंकि जिस प्राइस में कंपैरिजन हो रहा था ब्रेजा ZXi और इसका कर रहे थे हम लोग, फिर भी ये ब्रेजा ZXi से सस्ती है। अपने को कितनी पड़ी आज का रेट बता दो, दोस्त जानने की इच्छुक होंगे ना वो ज्यादा इस चीज के लिए। अगर CSD से जाएंगे तो 10.50 विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस, और अगर बिना CSD के लेते तो 1 लाख और बढ़ा लो है। हाँ 11.5 लाख रुपए हो गए हैं, रेट बढ़ गए। हमने जब बुक कराई थी तो 10.45 था, अभी 25,000 और रेट बढ़ गया 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 25,000 बढ़ गए। 15 नवंबर को बुक कराई थी और हमें मिली है 28 अप्रैल को गाड़ी। बिल्कुल। हाँ और जो ZXi थी ब्रेजा, वो इससे थोड़ी सी महंगी है अभी भी, और जबकि काफ़ी मामलों में काफ़ी जगह ये आगे लगती है। एक तो 17 इंच अलॉय व्हील्स हैं, 4 डिस्क ब्रेक हैं, बेस मॉडल में बता रहा हूँ, और ZXi से आप कंपैरिजन भी कर लेना, जितना रेट ZXi का ज़्यादा है उतने ज़्यादा में इसमें अलॉय व्हील भी लग जाएंगे और म्यूजिक सिस्टम भी लग जाएगा, बस सनरूफ की कमी रहेगी। सनरूफ की रिक्वायरमेंट वैसे भी अगर देखें तो इंडिया में कम है, जहाँ धूप ज्यादा होती है वहाँ सनरूफ की रिक्वायरमेंट कम होती है, और हमें तो चंडीगढ़ दिल्ली में रहना है तो खोल के मुश्किल ही चलाएंगे कभी, है ना। बिल्कुल, तो भाई ZXi से कंपैरिजन में ये गाड़ी ली गई है, आपको रेट बता दिया है, इन पे वेटिंग बहुत खतरनाक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वेटिंग का भी क्या जालसाजी चल रही है। 1.5 साल 100 लक्की, लेकिन लक्की कैसे हैं वो भी बताएंगे, हमें 5-6 महीने में गाड़ी मिल गई है, 5 महीने अप्रोक्सीमेटली। हाँ लेकिन वो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो डिलीवरी आपने देख ली, थोड़ी सी पूजा और करते हैं, वो और दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हुई तो वो भी दिखाएंगे आपको। चलो जी अब मैं चला के देख लेता हूँ थोड़ा सा गाड़ी को, नई गाड़ी है भाई, मजा आ गया चलाने, वेरी साइलेंट है ना, वेरी साइलेंट। तो चलिए पहले पेट्रोल डलवाते हैं, इसमें कुछ दिखा रहा क्या फ्यूल, टोटल आइडल फ्यूल सेव 3 ml। अच्छा ये जब खड़ी की थी हमने, जब ड्राइवर चेंज हुए तब का दिखा रही है, तो इस तरह से सारी डिटेल भी आ जाती है इसमें, नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है। बोले आप, हाँ नहीं 48 लीटर वैसे ब्रेजा का है, इसका 45 है, तो 2-3 लीटर एक्स्ट्रा ही आता है टैंक में, क्योंकि ऑटो कट तक 42 आया है और उन्होंने 5 दिया था, तो ठीक है। और अभी रेंज आई नहीं है, कट तक जब टैंक फुल कराते हैं तो कितना किलोमीटर चलती है वो रेंज में भी दिखा देता हूँ आपको, गर्मियों में इतना दिखाएगी। ये देखिए इसमें बैटरी भी है, पता ही होगा आपको स्मार्ट हाइब्रिड है। फ्रेंड्स हवा भी है ना बहुत ज़्यादा दी भाई, नई गाड़ी है तो हवा थी 45-46 चारों टायरों में, वो भी करवा ली है भाई से, रेंज भी 70 किलोमीटर दिखा रही है, लेकिन 6 किलोमीटर पर लीटर आ रही है, क्यों चली तो है नहीं गाड़ी, देखो रेड लाइट पे खड़े हैं, लेकिन फुल टैंक में शुरू में इतनी रेंज दिखाई है। हाँ हाँ ठीक है। लो जी पहुँच गए हैं मंदिर की पार्किंग में है फिलहाल, और देखो हमारे सामने भी एक नई गाड़ी आई है ना, ये भी शायद पूजा कराएंगे, हम भी कराएंगे।
पर मंदिर में पता ही आपको लग जाता बहुत ज्यादा टाइम। और यहाँ पर एक और चीज पता लगी भाई, यहाँ पर स्पेशल पर्ची कटती है अगर आपको पूजा करवानी है गाड़ी की तो 1100 रुपये लगेंगे आपको 4-व्हीलर के और 500 रुपये लगेंगे 2 और 3-व्हीलर के। ठीक है, गाड़ी देखे कहाँ खड़ी है, अरे वो खड़ी है बड़ी गाड़ी, पता लग गया ना तो फिर से। चलो जी लास्ट पार्ट शूट करते हैं और गाड़ी की हेडलाइट का थ्रोर देख लेते हैं। ये DRL जल रही है, ठीक है, और ये होगी लो बीम और ये हाई बीम, ये लो बीम ये हाई बीम, इस तरह की कुछ विजिबिलिटी मिलती है आपको गाड़ी की। बाकी डिटेल वीडियो पूरी फुल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए कमेंट कर दें आप, गाड़ी के रिलेटेड भी सारी जानकारियां आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी जैसे कमेंट आएंगे उस हिसाब से। अंधेरा हो गया है दोस्तों और आज की वीडियो में इतना ही। वो स्पेशल वीडियो जो मैंने बताया था आपको वो अलग से शूट करके मैं बताऊंगा इसके लिए हमें क्या पापड़ पेलने पड़े थे ग्रांड विटारा के लिए। ठीक है, ये बेस मॉडल है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग गाड़ी है फिलहाल। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।